नवीनभाई शिवसेना और विजय नाहटा फाउंडेशन की ओर से आज नवीनभाई के तुर्भेनाका, इंदिरानगर, सानपाड़ा और एमआईडीसी इलाकों में दिवाली फराल और खाद्यान्न का वितरण किया गया। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने तमाम शिवसेना पदाधिकारियों के साथ जरूरतमंद लोगों के बीच यह दिवाली उपहार बांटी। उपनेता विजय नाहटा ने कहा कि लॉकडाउन की आर्थिक मुसीबत में सामान्य और गरीब लोग भी खुशहाली के साथ दिवाली मना सकें, इसके लिए विजय नाहटा फाउंडेशन और नवीनभाई शिवसेना की ओर से फराल और खाद्यान्न बांटने का यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नवीनभाई शिवसेना और विजय नाहटा फाउंडेशन ने आज फराल और खाद्यान्न बांटकर सैकड़ों परिवारों में दीपावली से पहले ही राहत भरी खुशियां बिखेर दी। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने आज दर्जनों पदाधिकारियों के साथ तुर्भेनाका, तुर्भे एमआईडीसी क्षेत्र, इंदिरानगर और सानपाड़ा इलाके में दिवाली फराल और खाद्यान्न का वितरण किया। इसकी शुरुआत तुर्भे सेक्टर 21 से हुई, जहाँ शिवसेना कार्यकर्ता निशा पवार और सचिन पाटिल की मदद से नागरिकों को दिवाली के उपहार बांटे गए। वहीं तुर्भे प्रभाग के इंदिरानगर बोनसरी में महेश कोठीवाले की मदद से विजय नाहटा फाउंडेशन ने सैकड़ों जरूरतमंदों को उपहार बांटा। तुर्भे गांव के साथ ही सानपाड़ा प्रभाग 76 और प्रभाग 79 में बड़े पैमाने पर दिवाली फराल और खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम चला, जहां सैकड़ों जरूरतमंदों और गरीबों को मदद दी गई। वहीं सानपाड़ा और नेरुल में पदाधिकारी दिलीप आमले की पहल पर सैकड़ों ऑटो चालकों को विजय नाहटा फाउंडेशन का यूनिफॉर्म बांटा गया। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख दिलीप घोड़ेकर, मिलिंद सूर्यराव, शहर प्रमुख प्रकाश पाटिल, वरिष्ठ नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। जरूरतमंदों को फराल बांटते हुए शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने कहा कि आज लॉकडाउन की आर्थिक तंगी में गरीब और सामान्य लोग मुश्किल में हैं, उन्हें भी खुशहाली के साथ दिवाली मनाने का मौका मिले, इसके लिए नवीनभाई शिवसेना और विजय नाहटा फाउंडेशन राहत और मदद बांटने का कार्यक्रम चला रहे हैं। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। कोरोना मु लोक आर्थिक परिस्थिति खालावले है, अनेक लोक जॉब गेला है, त्यांची रोजीरोटी बंद झालेली आहे, आर्थिक घडी पूर्ण विस्कटलेली आहे। आणि म्हणून नवी मुंबई शिवसेना आणि विजय नाहटा फाउंडेशनने असं ठरवलं की याच्यापूर्वी करोनाच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने आपण लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आपापल्या क्षमतेप्रमाणे, मग ते अन्नधान्याचं वाटप असो, मागच्या वर्षीच्या दिवाळी फराळाचं वाटप असो, सॅनिटायझरचं वाटप असो, हॉस्पिटलचं बिल भरण्याचं काम असो, सगळ्याच पद्धतीने लोकांना मदत करण्याचं काम शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मागची 1.5 वर्ष चालू ठेवलेलं आहे। यावर्षीची दिवाळी थोडी अडचणीची असल्यामुळं या मतदारसंघातील 10-15 हजार फॅमिली ज्या गरीब आहेत त्यांना दीपावळीचं साहित्य देण्याचा हा कार्यक्रम आहे। आज तुर्भ्यामध्ये 8-10 ठिकाणी हा कार्यक्रम आपण केलेला आहे। मोठ्या प्रमाणावर या शहरामध्ये येणाऱ्या 3-4 दिवसामध्ये या दिवाळी फराळाचं वाटप होणार आहे। याच्यामध्ये मग गरा असेल, मैदा असेल, साखर असेल, अनेक वस्तू आहेत, या वस्तूंचं वाटप या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। शिवसेना शिव वाहतूक सेनेच्या वतीनं आज या दीपावळीच्या मुहूर्तावर या शहरातले जे रिक्षावाले आहेत या रिक्षावाल्यांना कोरोनामुळे प्रचंड फटका बसला होता, आणि म्हणून रिक्षावाल्यांमध्ये काम करणारे आमचे सहकारी आमले यांनी वेळोवेळी या रिक्षावाल्यांना वेगवेगळ्या आमच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून मदत करण्याचा आत्तापर्यंत प्रयत्न केला आहे। शिवसेना नवी मुंबई आणि विजय नाहटा फाउंडेशनच्या वतीनं या शहरातल्या रिक्षावाल्यांना युनिफॉर्म देण्याचा कार्यक्रम या सानपाड्याच्या ठिकाणी एक प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आम्ही केला आहे। आपण पाहिलं शेकडोच्या संख्येने रिक्षाचालक या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आणि आता
उद्यापासून राहिलेल्या रिक्षावाल्यांना याचं वाटप युनिफॉर्मचं होईल, निदान त्यांची एक वर्षभराची तरी चिंता मिटेल असं मला वाटतंय। बताना जरूरी है कि लॉकडाउन के दौरान भी विजय नाहटा फाउंडेशन लगातार जरूरतमंदों तक अनाज और मदद पहुंचाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।